ऋषि मतंग ने श्रीराम को लंका के रास्ते के बारे में साबरी से बताने को कहा था। रामायण के अनुसार ये कथा हमें धरोहर महाकाव्य के विभिन्न भागों से मिलती है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे और उन्होंने रायगढ़ क्षेत्र में अपना आश्रय स्थापित किया था, जिसमें ऋषि मतंग का आश्रम भी शामिल था। साबरी, जो ऋषि मतंग की शिष्या थी, भगवान राम की आत्मीय भक्तिभाव से उनकी सेवा की थी। एक दिन हनुमान जी राम के दूत बनकर आए और राम की माता सीता की खोज के लिए आगे बढ़े। ऋषि मतंग के आश्रम में हनुमान साबरी से मिले और राम की माता की खोज के लिए जानकारी मांगी। साबरी ने हनुमान जी को पहचाना और उनसे श्रीराम के बारे में पूछा गया। ऋषि मतंग के साथ मिलकर साबरी ने हनुमान जी को बताया कि वह राम को लंका पहुंचने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं। उन्होंने राम की भक्ति और सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था और इसी कारण राम के भक्त हनुमान भी उनके पास आकर रुके थे। इस प्रकार साबरी ने ऋषि मतंग की संगत और भक्ति के माध्यम से हनुमान जी को श्रीराम के लंका यात्रा के लिए मार्ग बताया।